हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सब फिर स्वागत मेरे चैनल पर। तो आज मैं हूँ जीशान भाई के शॉप में कुर्ला मुंबई के अंदर 9.9 इंडिया। तो आज हम देखने वाले जितने भी नए स्टॉक आए हुए हैं, तो दोनों शॉप में हम यहाँ पर जो गोडाउन है उनकी वहाँ पर बहुत सारे न्यू वेराइटीज ऑफ गोल्ड फिशेस, कम्फास, एसआरडीज आए हैं, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इस बार हम लोगों के पास जो न्यू स्टॉक आया उसमें हाई क्वालिटी कम्फास है, 9.9 कम्फास, कॉम्पिटिशन ग्रेड, VIP ग्रेड, बी ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, और हाई क्वालिटी एसआरडीज, अराउंड 70-80 एसआरडीज है, प्रीमियम गोल्ड फिशेज है, जायंट, ओरेंडा, रेंचूज, और काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से 9.9 फूड और फिश फीड के लिए हम लोगों को कांटेक्ट करते रहे और इंतज़ार कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आज हम लोग 9.9 फूड के बारे में बात करेंगे, और साथ में आज जो बहुत दिन से इंतज़ार था 9.9 का जो प्रीमियम फूड है वो भी आज हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि अवेलेबल है, बहुत सारा स्टॉक है, वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको ओकीको प्लैटिनम जो ओरिजिनल है थाईलैंड से आया हुआ है, बहुत सारा इंडिया में लोकल अवेलेबल है लेकिन ये थाईलैंड से इम्पोर्ट होकर आया है, तो दोनों फूड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लाइक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंड तक देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आऊँ, तो आज जैसा कि आप ट्रेलर देख लिया आपने, तो मैं मुंबई में हूँ कुर्ला के अंदर 9.9 इंडिया एक्वेरियम जो जीशान भाई का है, तो वहाँ पर हूँ, उनके साथ हूँ। हेलो जीशान भाई, कैसे हैं? ठीक वाला मुझे। तो आज हमारे व्यूवर्स को क्या दिखाने वाले, नया स्टॉक जो इस बार नया कुछ हमारे व्यूवर्स को दिखाने वाले? हम लोग स्टार्ट कम्फास से करेंगे, और इस गोडाउन में हम लोगों के पास कम्फास और प्रीमियम ओरेंडाज है। तो इस गोडाउन में हम लोगों के पास जायंट ओरेंडास है और प्रीमियम, और उसके अलावा कम्फास है। तो हम लोग कम्फास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से नए स्टॉक है वो देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कौन सी ब्रीड है ये हम देख रहे हैं? ये सब कम्फास है, ये वाले वेयरहाउस में सब हम लोगों के पास कम्फास रखी हुई है। अच्छा, 9.9 कम्फास। अच्छा, कम्फास में बहुत सारे वेरायटी आते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ग्रेडिंग अलग अलग होती है, अभी जैसे ये बहुत हाई क्वालिटी की फिश है, इसको मैं एलियन कॉक बोलता हूँ या पोटेटो कॉक भी बोल सकते हैं। इसका हेड बहुत बड़ा होता है, पीछे से लेकर आगे तक। अच्छा, एलियन जैसा आता है। हाँ, एलियन जैसा। और इनकी साइज़ बहुत छोटी है, अराउंड 2.5-2.6 इंचेस होगी। ये बॉल कॉक है जो ब्लू वाला है, ये बी ग्रेड का है। तो यहाँ पर भी है, ये कौन से? ये VIP ग्रेड है लेकिन ये सोल्ड हो गया है कोलकाता, ये कोलकाता कस्टमर के लिए। इसकी साइज़ होगी अराउंड 2.5-2.7 इंचेस की होगी। तो काफ़ी स्टॉक इनके पास आता रहता है, निकलता रहता है, तो जितना जल्दी हो सके आप बुक करके ले लेना, वरना क्या होता है वीडियो आने के 8-10 दिन के बाद ही ये जो स्टॉक ख़त्म हो जाता है, बुक हो जाता है, बाद में आपको फिर वेट करना पड़ता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी बुक ले लोगे वीडियो में देख के, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक इतना अवेलेबल होता नहीं है हर टाइम पे। ये डिफरेंट वेरियंट होते हैं और यूनिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सोल्ड आउट हो चुका है दिल्ली में, दिल्ली है ना जी, दिल्ली को सोल्ड आउट, इस तरह सोल्ड आउट होते रहते हैं। तो ये वाला कौन सा ब्रीड हम जो देख रहे हैं यहाँ पे? ये VIP वाइट पर्ल टू टोन है। हाँ, मॉन्स्टर कॉक है, इसका हेड बहुत बड़ा आएगा, ये टू टोन बेस कलर है, आधा रेड आधा येलो। हाँ, और इसकी टेल भी पीकॉक टेल है, रेड की पीकॉक टेल। हाँ, इसका साइज होगा 2.8 इंचेस। हाँ, मॉन्स्टर कॉक है, हेड पे भी पर्ल है। हाँ हाँ, ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। इस पैरेट देखिए, ये भी अभी थोड़ा एग्रेसिव हो गया। और यहाँ पर भी काफ़ी देखिए ब्यूटीफुल वेरिएंट है यहाँ पर। ये कौन से डिजाइन पे? ये VIP ग्रेड है। तो देखिए, ये भी सोल्ड आउट। अच्छा, ये भी सोल्ड आउट है, ट्वेल्व टोन है ना ये? हाँ,
डुअल टोन वर्म पल्स बिग कॉक वीआईपी। और वैसे स्टार्टिंग कॉस्ट क्या होता है इसका आपके पास? जो काम पास उसके स्टार्टिंग अलग अलग शिपमेंट पे डिपेंड करता है। किसी शिपमेंट का स्टार्टिंग कॉस्ट 3000 होता है, किसी का 6000 होता है। ये करंट स्टॉक है, इसका स्टार्टिंग कॉस्ट 5000 है। 5000 टू 30000 35000 तक कॉस्ट गए। और यहाँ पर भी एक है, ये वाले देखिए काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। जब साथ में कोई फिशेस होती है ना तभी अपना एक्टिवनेस और अग्रेसिवनेस दिखाते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट फिशेस है इन माय करंट स्टॉक। अच्छा, और इसमें बहुत काफ़ी पोटेंशियल। इसका शेप आप देखोगे, टेल का बॉडी एकदम परफेक्ट है, एकदम यूनिफॉर्म ऑरेंज बेस कलर है पूरे बॉडी के ऊपर। और जो पर्ल्स है उनका भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पर्ल्स है। बिग कॉक है, साइज छोटी सी है, ये देखिए 2.8 इंच की। ये सुपर वीआईपी ग्रेड है, पोटेंशियल सुपर वीआईपी ग्रेड है, करेंटली वीआईपी है। ये कौन सा वेरिएंट है जो हम देख रहे हैं? पोटेंशियल सुपर वीआईपी, ये इसको करेंटली हम लोग वीआईपी ग्रेड कांपा बोलेंगे। और ये वाले, ये मॉन्स्टर कॉक है, पिंक बेस वाइट है। इसका हेड फ्रंट में ड्रॉप होगा, जैसा फ्रंट वाला फ्रंट कॉक जो बोलते हैं ना कांपा में, ये उस टाइप के फिश है। इसको हेड पे डोनट पर्ल है, अगर आप जूम करोगे तो आपको दिखेगा। डोनट जैसा मार्क है ना, हाँ, इस सेंटर में। तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारे खूबसूरत हैं, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग टोन्स में हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कलर में है, आपको अलग अलग शेप में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को रेड डिश पसंद है, बहुत सारे लोगों को येलो पसंद आता है, तो हर वेरिएंट में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये रेयर आइटम है, ये ब्लैक है। अच्छा, ये वाला ब्लैक कंपा है। अच्छा, मैं सोचा स्ट्रेस में है करके, एक्चुअली कलर ही इसका ब्लैक है। ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल। आपके पास जितने भी होते हैं फ्लोवान, ये छोटे से ही लेके आते हैं आप या बड़े भी लेके आते हैं? सब साइज़ में मिल जाते हैं अपने पास अवेलेबल। तो देखिए अकेली थी तो उतना डर के छुप रही थी, अभी साथ में एक हमने सैंपल के लिए फिशेज डाला तो पूरा सामने आ रही है। देखिए पूरा पर्ल ब्लैक है, इसकी बॉडी सब ब्लैक कलर में है, देख सकते हैं यहाँ पर। ब्लैक पर्ल कम्फा है ना ये जी। तो काफ़ी रेयर जो है कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो नॉर्मल एक्वेरियम शॉप में आपको देखने के लिए शायद नहीं मिलेंगे इस तरह के आपको कम्फास। और यहाँ पर देखिए ये दूसरे वेरिएंट है, ये कौन से वेरिएंट है? ये भी वीआईपी ग्रेड है, मॉन्स्टर कॉक येलो बेस वाइट पर्ल्स। इसका साइज होगा 2.5 इंचेस आई थिंक। तो प्राइजेस की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जिशन भी का नंबर मैं स्क्रीन पर दिया हुआ, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके डिटेल्स चाहे प्राइस के मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2.5 इंचेस की, कम से लगभग 2.5 इंचेस की है साइज इसमें ये। क्लासिक टोन है ना, क्लासिक रेड टोन, क्लासिक स्टाइल रेड बेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बढ़िया क्वालिटी की कम्फास में, जो ओरिजिनल कम्फास की तरह लग रही है। तो कम्फास में भी काफ़ी सारे वेरिएंट हमको देखने के लिए शायद यहाँ पर दिख रहे हैं। हम लोग को माइंड में क्या है, कम्फास एक ही टाइप का नज़र आते हैं जब हम कम्फास की बात करते हैं। अगर यहाँ पर आओगे तो कम्फास में भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, इस तरह के वेरिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये कौन सी वेरिएंट है जिशन भैया? ये 2-टोन सुपर कॉम्पिटिशन ग्रेड है। कॉम्पिटिशन लेवल की है जी, कॉम्पिटिशन लेवल से और थोड़ा ऊपर है, सुपर ग्रेड है। परफेक्ट बॉडी देख सकते हैं, पूरा इसका कलर टोन और बॉडी शेप सब परफेक्ट लग रहा है इसका। तो देखिए अभी यहाँ पर ये अभी एक्चुअली इसका इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका कलरेशन और इसका मार्क सब वगैरह परफेक्टनेस आप देख सकते हो। पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फिशेस का वेरिएंट कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी अलग लग रही है फिशेस, ये ऐसा लग रहा है कि जैसा मंकी फेस जैसा। ये कौन सी वेरिएंट है जो पीछे है जिशन भी? ये क्लासिक कंप है। अच्छा, छोटे में ऐसे लगते हैं ये? ये बड़े होकर भी ऐसे लगते हैं। अच्छा, बड़े में भी ऐसे ही लगती है। इसकी साइज़ अभी देखो काफ़ी छोटी है, पैरेट के सामने काफ़ी क्यूट लग रही है इसका कलरेशन और मार्किंग के हिसाब से ये।
बेबी डॉल्फिन की तरह उसका फेस लग रहा है मुझे तो सामने। ये कितने साइज कितने एजेस की होगी, कितना मंथ या ईयर के कुछ का आपको? 3-4 months की होगी शायद। हम अभी तक ने देखा 2.5 inches के थे, अभी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 inches के एबो हैं ये वाले वेरिएंट। ये कौन से वेरिएंट है रिजन पे? ये बी ग्रेड कंफर्ट है, 9.9 के ही सारे। इसकी टेल मुझे बहुत पसंद है, एकदम परफेक्ट रैप टेल है और शॉर्ट टेल कौन है इसका, अच्छी टेल है और ये काफ़ी एग्रेसिव भी है। दोनों सेम है या अलग अलग हैं? सेम ही है ऑलमोस्ट। ये बहुत अच्छा पीस है लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म है, स्ट्रेस्ड है, उसका टैंक चेंज करने की वजह से थोड़ा डार्क हो गया है और हेड दबा लिया। तो यहाँ पर देखिए ये वाले भी हैं। अच्छा, कंफर्ट में फीमेल भी अवेलेबल होते हैं क्या आपके पास? किसी किसी स्टॉक में आ जाती लेकिन हम लोग बेचते नहीं हैं, फीमेल का नॉट फॉर सेल। क्यों, कुछ रीज़न है उसका? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, फार्म की पॉलिसी है, हम लोग नहीं बेचते। अच्छा, वेरिएंट निकल जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर भी ये है एक बार, ये कौन सी वेरिएंट है जो? ये बी प्लस ग्रेड है, स्ट्रेस में है लेकिन अभी डर के बैठी है कोने में। तो यहाँ पर देख लिया आपने, छोटे बड़े साइज में सारे कंफर्ट थे। अभी हम SRD के लिए जा रहे हैं, बाजू में जो अभी एक गोडाउन है वहाँ पे SRD हम कवर करेंगे। काफ़ी बड़े साइज़ के है ना ये। तो ये SRD का सेक्शन है अब जो अभी हम देख रहे हैं, काफ़ी सारे SRDs यहाँ पर अवेलेबल हैं, छोटे साइज से लेकर बड़े साइज़ के भी अवेलेबल हो जाते हैं। सारे के सारे मॉन्स्टर कॉक हैं यहाँ पर, जैसे पूरे कलर रेडिश है इसका, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बढ़िया होती है। जैसा आपने कम्फर्ट्स की क्वालिटी देखी, इसी तरह SRDs की क्वालिटी यहाँ पर होती है, देख सकते हैं। मैं आपको खरीद से दिखाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको टैंक नंबर के साथ दिखा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर लेना है तो आप टैंक नंबर के साथ ले सकते हो। टैंक नंबर का आप मार करके भेज दोगे तो उसके हिसाब से आप बुक हो जाएगा। देखिए सारे SRDs हैं। तो जिसमें भी SRDs क्या कॉस्ट प्राइस होता है आपके पास स्टार्टिंग? SRD का स्टार्टिंग कॉस्ट 1500 है, फ्रॉम 1500 to 3000। तो 1500 to 3000 rupees तक का है जी, 1500 rupees से स्टार्टिंग कॉस्ट है, मैक्सिमम जो है 3000 का है। काफ़ी अच्छा कॉस्ट है, इतना ज़्यादा भी नहीं, 3000 के अंदर अच्छा आपको SRDs मिल रहे हैं, जो मॉन्स्टर कॉक हो, कलरेशन भी अच्छा उसका। यहाँ पर देखिए 94-93 टैंक नंबर्स हैं, देखिए सर उसका मार्किंग सब देख सकते हैं, फेस मार्किंग और उसका हेड मार्किंग सब मॉन्स्टर कॉक हैं पूरे, क्वालिटी A1 कह सकते हो। वैसे भी प्रीमियम क्वालिटी ही होती है 9.9 इंडिया एक्वेरियम के अंदर, नॉर्मल क्वालिटी आपको मिलती भी नहीं है यहाँ पे। बॉडी शेप भी परफेक्ट है और कलरेशन भी पूरा डार्क है, येलो है, डार्क रेड है वेलवेट की तरह। देखो इतने सारे में जो आप सेलेक्ट करोगे उसका कॉस्ट होगा 1500 rupees से लेकर 3000 rupees तक का होगा। और कंफर्मेशन प्राइस के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सोल्ड आउट है, जैसा मैंने कहा सोल्ड होते रहते हैं, ये कोलकाता सोल्ड हुआ है। हाँ, तकरीबन 3 inches की है सारे फिशेस और काफ़ी अग्रेसिव भी हैं। ये मैग्मा है, मैग्मा 67 and 66 मैग्मा है ये वाले, और जो पीछे वो भी मैग्मा है, जो पीछे के पार्टीशन में नहीं, वो SRD है। मैग्मा में उनका पर्ल पैटर्न ज़्यादा होता है। और ये वाले जो यहाँ पर हैं, ये तो इन लोगों को टेस्टिंग के लिए डालो, ये पानी का करने के लिए 100 टैंक्स से ज़्यादा हैं, आप जो भी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूअल टोन कलर में भी है, सिंगल कलर में भी है और 100% आपको गारंटी है कि इसका पूरा हेड आएगा। जो भी आपको मार्क करना चाहते हैं आप मार्क करके भेज सकते हो। यहाँ पर मैं सारे दिखा रहा हूँ आपको, 100 टैंक्स हैं, आप जो भी चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ मैंने।
तो देखिए यहाँ भी काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटीज़ के हैं, सारे ग्रेड कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। ये VIP कौन सा, ये क्या लिखा हुआ VIP? हाँ टू डोर नहीं, येलो एंड रेड बेस में है। देखिए कोई भी आप मार करके भेज सकते हो, मैं सारे मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि सारे फीचर्स में कवर हो जाए। ये भी सोल्ड आउट है, तो सोल्ड आउट होते रहते हैं इसलिए मैंने कहा कि आप बुक कर लो। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी है 59, 56, 57 ऐसा। आप नंबर मार्क इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको अगर कुछ पसंद आए तो नंबर के हिसाब से आप बुक करके भेज सकते हो, इसलिए नंबर वाइज दिखा रहा हूँ। और आरोनास भी हैं, आरोनास भी काफ़ी सारे स्टॉक रहते हैं जिशन भाई के पास। अभी आरोनास कौन से अभी जिशन भाई आपके पास? RDG अवेलेबल, हाईबैक RDG आरोनास है और पूरे पैलेट ट्रेन है, देख सकते हैं पैलेट अभी फिट करके दिखा रहे हैं यहाँ पर जिशन भाई, पूरे पैलेट ट्रेन है क्योंकि आरोना में पैलेट ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए पैलेट डाल रहे हैं तो सारे पैलेट्स खा रहे हैं। ये क्या कॉस्ट होता है RTG? RTG 8500 से लेकर स्टार्टिंग प्राइस है और जो हाई बैग है वो 9000 to 13000, जो स्टैंडर्ड है वो 9000, जो प्रीमियम है वो 13000। इसके अलावा और कौन से आरोना है अभी आपके पास? फिलहाल यहाँ पर है वो नीचे भी है, ये वाली होते हैं तो यहाँ पर भी हैं। ये कौन सी? ये प्रीमियम हाई बैग है। ये सारे भी सर्टिफिकेट आते हैं ना आपके पास? हाँ, विद सर्टिफिकेट। और प्रीमियम हाई बैग क्या कॉस्ट है? 13000। और इसका साइज़ क्या होगा अभी लगभग? 7 inches 7.5। सोल्ड आउट है जैसा मैंने कहा, सोल्ड आउट होते रहते हैं तो इसलिए आप बुक कर लेना। अगर इनकेस आपको चाहिए तो आप बुक करके पैसे पे करके बाद में भी मंगवा सकते हो। स्टॉक क्या है, खाली होता रहता है, हर महीने में एक दो बार स्टॉक आता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा है SRDs देखे और साथ में कम्फर्ट देखे। अभी हम गोल्डफिश देखने वाले हैं, जो 9.9 क्वालिटी की जो गोल्डफिश होती है, ये भी काफ़ी मस्त होती है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी होती है, जो प्राइस कर सकते हो मतलब तारीफ़ करने के लायक की क्वालिटी होती है। जो जेंट गोल्डफिशेस होते हैं वो सारे थाईलैंड के। अभी कौन कौन से वेरिएंट है आपके पास जिशन भाई? हम लोगों के पास शोगुन ब्लडलाइन की गोल्डफिश है, सब जायंट ओरेंडा है। अभी जैसे ये कैलिगो है, ये ऑरेंज एंड वाइट है, ये फुल ऑरेंज है, ये साबूरा है, तो इन सब का शेप बहुत फैट एंड राउंड होता है, शॉर्ट टेल होती है और शोगुन ब्लडलाइन ऐसी रहती है, साइज़ में बहुत बड़ी भी होती है। तो इनके प्राइजेस के लिए आप लोग जवाब को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जुवेनाइल साइज़ है। अच्छा, तो जुवेनाइल इतना सही है तो बड़ी कितनी हो जाती है? और जायंट है ना, इनसे भी बड़ी होगी। देखो ये जायंट है हमारे पास, सेम ब्लड लाइन की, पूरे पाम साइज से भी बड़ी है। हाँ, ये इंशाल्लाह इनसे और बड़ी होगी, इससे भी और बड़ी होगी इंशाल्लाह। ये कौन सी ब्रीड है ये? जो ये भी जायंट ओरेंडा है, शोगुन ब्लड लाइन की है, पूरे बटरफ्लाई फिन्स हैं। फेस देखिए इसका, देखिए इसको, देखिए ये भी बहुत ब्यूटीफुल कैली। तो गोल्ड फिश के प्राइस के लिए जवाद भाई को कांटेक्ट करना पड़ेगा, जवाद भाई का नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया, आपने लास्ट टाइम वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पे आया हुआ था जवाद भाई का, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर भी एक ब्रीड है रेड हुक डॉलर की, ये कौन सी और कहाँ से आती है सीशन भैया? ये पिराना की फैमिली में से है। अच्छा, डॉलर फिश, रेड हुक डॉलर फिश, ये यूजुअली इतनी रेयर नहीं है, ये कॉमनली अवेलेबल होती है, लेकिन एडल्ट जायंट इस साइज में मिलना मुश्किल है। हाँ, मेल फीमेल पेयर मिलना मुश्किल है। ये मुझे जैसे थाईलैंड में दिखा था तो मैंने फॉरन बुक कर दिया था, क्योंकि ये कन्फर्म मेल और फीमेल है और जायंट है। आप देखोगे उनके बॉडी के ऊपर ऑरेंज पैचेज आ गए, येलो कलर स्टार्ट हो चुका है, मतलब एकदम प्रॉपर ये राइप बोलते हैं वैसे हो चुके। तो ये साइज होगा एटलीस्ट 8 inches। तो ये अभी ब्रीड के लिए तैयार हैं? हाँ, ब्रीड के लिए तैयार है। अगर कोई ब्रीड करवाना चाहते हैं या पेयर रखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं रेड हुक डॉलर, ही है ना डॉलर, जो प्रेरणा फैमिली से हैं। इतना रेयर भी नहीं है जैसा जिशन भी ने कहा, उतना और हर जगह मिलते भी नहीं है। एक्चुअली इनका खासियत क्या है, ये पेयर हैं और अडल्ट साइज़ में है, ये मिलना मुश्किल है, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट कीजिए। और इसका प्राइस की डिटेल्स के लिए कॉल करना पड़ेगा या आप रिवील करेंगे कुछ? कॉल कर देते तो बेटर
ठीक है, आप कॉल कर लो क्योंकि जजमेंट बहुत होता है, इसलिए कॉल कर लो बेटर रहेगा डिटेल्स के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। और ये आरोना क्या, कौन सी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये रेगुलर सिल्वर आरोना है। ये भी आप सेल करते हो क्या? नहीं, ये सेल के लिए नहीं, ये मेरे पहचान वाले के पास थी, उनके पास स्पेस का प्रॉब्लम था तो फिर यहाँ पर लगे दे दिए, टेंपरेरी लगा था। ठीक है ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी फिश में इंटरेस्ट है, वेदर इट्स काम्फा, गोल्ड फिश और एसआरडी एरोवाना, तो आप लोग मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या मेरा पार्टनर है जवाद उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर आप लोगों को पर्सनल विजिट करना तो डिस्क्रिप्शन में जो एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, अगर आप लोगों को पर्सनल विजिट करना तो आप डायरेक्टली शॉप पे विजिट कर सकते हो। बेहतर होगा कि आप आधा या एक घंटा पहले कॉल करके आओ। थैंक यू।